हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 17 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है, उसमें हम जीएस के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्थिति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हरिशेड के द्वारा की गई थी। तो ये हरिशेड था, ये सम्राट समुद्रगुप्त का कवि दरबारी भी था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो दोस्तों, इसकी बात करें तो ये ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, चिल्का झील। ये चिल्का झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, तटीय झील है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? अगर हम बात करें मिलकर, तो ये मिलकर 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसके मूल रंगों की बात करें तो 3 ही रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा 3 मूल रंग होते हैं इसके। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 के में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था क्या, संविधान सभा के अध्यक्ष। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम पाँच देखते हैं। पाँच हो गया, छः देखते हैं। पूछ रहा है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों, ये बिहार में नवंबर से या दिसंबर के महीने में हम कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बिहार में। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात पूछ रहा है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको हम जानते हैं बीटी कल्चर के रूप में। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ पूछ रहा है, बैल डीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम नौ देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दस पूछ रहा है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? तो दोस्तों, ये तो सबको पता होगा, ये महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सर्वोच्च पद होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको हम शहरीकरण कहते हैं। अगर शहर में वृद्धि हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, शहरीकरण कहेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, ये हुआ था
भुवनेश्वर के उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में, ठीक, कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1981 में को स्थापित ये किया गया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों फेसबुक तो होगा नहीं, इंस्टाग्राम तो होगा नहीं, स्नैपचैट तो होगा नहीं फ़ोटो खींचने के लिए, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लिंक्डइन हो जाएगा, जो कि आप अपने प्रोफाइल बना के शेयर करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसे हम कालीन बुनाई के कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कालीन बुनाई जाती है और इसको हम कालीन शहर के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक का वृक्ष। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मनमोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। कब की थी? तो 1998 ईस्वी में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा, जो कि आगरा में स्थित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुरका बोल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम धृत कहते हैं यानी होल्डिंग कहते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, UPSSF का पूरा नाम बताएं? तो दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। पूछ रहा है, निमेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पहल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, किसानों के लिए ये बनाया गया एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूछ रहा है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम, ये विमुद्रीकरण क्या होता है, ये पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में पर कन्वर्ट करने के लिए एक पहल चलाया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे नई मुद्रा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? आइए पहले देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, कई पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर
दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पूछ रहा है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंडला बंदरगाह जो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गांधीनगर जो कि गुजरात में है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल में ही कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये करंट से है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इटली देश को। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो दोस्तों ये कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला हमारा वीडियो मैथ का आएगा एनालिसिस, तो आप ज़रूर देखिएगा।